सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे घर से, और आज घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को बताना है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। हम पांच जने और मेरे पिताजी बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। उनके चले जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं था ऐसा, और हम चार भाई थे, हमारी माँ थी, और बहुत सारा मेहनत यही था। ठीक, तो उन सभी मेहनत में हमारा घर भी आता है। अपन लोगों के पास पहले हमारे पिताजी के चले जाने के बाद कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा घर था, और उसी में धीरे धीरे करके अपने मेहनत किए, स्ट्रगल किए, उसके बाद बहुत ही बड़ा घर खड़ा कर दिए, जिसको आप लोगों को बहुत पहले ही किसी व्लॉग में दिखा दूँ, घर को मतलब टूर भी करा दिया हूँ। और हमारे पास ना एक बाइक भी नहीं था, जिस समय मतलब हमारे सिंध भैया एक समय ना बिलासपुर में फंस गए थे, बिलासपुर से निकल गए थे हॉस्टल से, और बीच में ही फंस गए थे क्योंकि ऑटो वाले नहीं आ रहे थे ना। तो हमारे जो बड़े बड़े भैया हैं ना, उन्होंने बहुत से घर गए मतलब बाइक लेने के लिए, सिंधिया को लाने के लिए, मांगने के लिए, बट किसी ने नहीं दिया। तभी से सभी ने सोच लिया कि अब से बाइक लेंगे, उसके बाद देखो हमारी बाइकें बहुत ही मेहनत के बाद तीन बाइक और एक बाइक साइकिल आया। तो दोस्तों एक बार अच्छे से पीछे तरफ से देख लो, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे बाई साइकिल की, जिसे हमारे सिंह भैया ने मेरे लिए खास लिया था। जब मैं नाइन्थ क्लास में था, बिलासपुर में हॉस्टल में था, तो मेरे आने जाने के लिए बाई साइकिल नहीं थे, तो सिंह भैया ने खुद अपने पैसों से कमा के अपने पैसे से लिया था मेरे लिए कि भाई अब तो ही जाएगा। उसके बाद तब से ये मेरे पास है, और उस दिन गिरा था तो ये टूट गया था। और बाकी ये बहुत ही तगड़ा, कसम से आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब सहायता प्रदान किया है। और चार पाँच साल हो गया बाइक को ना, अभी भी कुछ मतलब इसका चेंज नहीं करवाया हूँ, बस थोड़ा सा ना सर्विस करवाता रहता हूँ सर्विसिंग, क्योंकि इसका सभी मतलब ढीला ढाला हो जाता है ना, एक नॉर्मल बाइक साइकिल से ज़्यादा मतलब इसका खर्चा होता है, तो करता रहता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे बाइक की, जो है हमारा होंडा SP125। ये देखिए, तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहला बाइक है होंडा SP125, जो कि इसे ख़रीदने के लिए बहुत ही मेहनत एंड स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को। और इसके लिए ना क्या ही बताऊँ आप लोगों को, शब्द नहीं है मेरे पास कसम से, पर यह बाइक कसम से सबसे तगड़ा है, और ये हमारा चारों भाई का सबसे फेवरेट बाइक है। हालांकि इसके बाद हम लोग कितना भी बड़ा बाइक ले लें, करोड़ का भी ले लें, या फिर 90 लाख करीबन कुछ भी ले लें, बट इसमें जो मतलब लेने की खुशी है ना, वो उन सभी में नहीं है, कसम से बता रहा हूँ। इसको हम लोगों ने लेने के लिए एक एक पैसे भी बचा बचा के ना, एक एक पाई भी खर्चा नहीं गया था, एक चॉकलेट भी नहीं खाया थी, तब जाके ये बाइक आया, और बहुत ही खुशी। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा ना, इसका जो डिजिटल स्क्रीन है वो, और इसका साउंड, तो दोस्तों इन तीनों बाइक को आज ही धोए थे, और जो ये बाइक है ना कसम से वो बहुत ही तगड़ा है, बस ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, और इसे सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंध भैया के पास रहता है ना बिलासपुर में, तो उनको समय नहीं मिलता, इसलिए भैया करवा के आएंगे कल। तो हमारा सेकंड बाइक है हमारा CB Shine, रुको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा CB Shine, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है। इसे हमारे बड़े भैया लिए थे सूरज भैया के लिए डिक्स, एंड इसका कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन एंड साउंड, तो दोस्तों यह हमारा दूसरा नंबर का बाइक है, जो एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है। ये हम लोग किसी भी बाइक को लेते हैं ना, तो उसमें तीन चार चीज़ देखते हैं। पहला तो एवरेज, जो कि हम लोग काम करने वाले मतलब बच्चे हैं, मतलब काम भी करते हैं और ऐसा मेहनत वगैरह भी करते रहते हैं, तो जॉब वॉब में जाते हैं ना भैया, तो एवरेज बाइक होना चाहिए, और एक अच्छा स्पोर्ट बाइक होना चाहिए, तो वो है दोनों, और 125 cc के भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है उन सभी चीज़ों में। और उसी के हमारे CB Shine के सहायता से ही हम लोगों ने यह वाला बाइक लिया था, ये बजाज पल्सर NS125, जिसे 10 तारीख को ही लाए हैं,
दिवाली के दो दिन पहले, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बाइक है। और इसका साउंड है कुछ ऐसा। तो दोस्तों साउंड के मामले में ना NS का अच्छा है साउंड, क्योंकि वो दोनों तो बहुत ही पुराने हो गए ना, तो घिस गए हैं, बट ये नया है ना तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट जो हमारा सबसे फेवरेट बाइक है वो तो हमारा होंडा SP 125 ही है। और तीनों बाइक दोस्तों 125 सीसी के, हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि 160 लेंगे 200 लेंगे, इन सभी चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी में एक ही काम होना है, उसमें थोड़ी स्पीड, बस अपन लोग थोड़ा जॉब वगैरह वाले हैं ना भैया लोग, तो इन सभी चीज़ों को भी नहीं देखते हैं। बाकी मेरे को पसंद है कि मतलब खास से चलाऊँ, सुपर बाइक लूँ, बट उन सभी चीज़ों के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है और बहुत ही मेहनत भी कर रहा हूँ। आप लोगों को जो वीडियो वगैरह दिखा रहा हूँ, व्लॉग वगैरह व्लॉगिंग कर रहा हूँ, दिन में दिन टाइम निकालता हूँ, किसी न किसी चीज़ को करता रहता हूँ। तो आप लोगों का अगर मतलब साथ बना रहेगा ना, तो आसमान छूने में भी कसर नहीं करूँगा, कसम से बता रहा हूँ। और बहुत ही तगड़ा दोस्तों, और हमारे पास पहले बाइक नहीं था ना, तो हर किसी से मांगना पड़ता था, तो कई लोग भेज देते थे, पर कई लोग दे देते थे अपना बाइक। ये देखो, और आज हमारे पास घर भी है। तो दोस्तों तो दिवाली स्टार्ट करते हैं, तो सीधे रात को मिलते हैं, आप लोग बने रहे मेरे इस व्लॉग वीडियो में, तो फुल मजा करते हैं। तो दोस्तों तो फाइनली अभी भैया लोग गए थे बाजार मार्केट वगैरह, तो सामान वगैरह लाए हैं, तो सिंधी अपना भीड़ गए हैं यहाँ पे गोभी की सब्जी बनाने के लिए, और यहाँ पे भजिया पिसा, गोभी की सब्जी, चोखा सिंधिया चोखा चोखा, और यहाँ पे रसगुल्ला का पैकेट भी है, और ये मैदा सलोनी के लिए, और ये मम्मी लोगों के लिए सुलसुली पटाखे, और ये मिर्ची पटाखे, क्योंकि हम लोग उस दिन ना बम वगैरह भी बना है, मतलब बचा है, और बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बाकी सभी नहीं किए थे ना, बाहर चला गया था, बताया था आप लोगों को, तो वही से भी बचा है। और यहाँ पे निसार का क्या माचिस पटाखा है, वहाँ पे ऐसा तागड़ा, यहाँ पे निसार का, भाई धोखा दे दी, निसार कितना मिला है इसको? 30 रुपए, 30 रुपए में तगड़ा है वैसे कसम से। तो दोस्तों आप लोगों ने कसम से पानी में फूटता नहीं देखा है, बट ये जो है ना ये पटाखा पानी में भी फूटता है, इसी को कल टेस्ट करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। दोस्तों तो इस बार घूमने के लिए आए थे, बट इधर माहौल है पर पटाखे उटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, तो वापस घर जा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे सूरज भी है और निकल रहे हैं अपन लोग घर, घर आगे ही अपन लोग कुछ फोड़ेंगे। सो दोस्तों तो यहाँ पे भाभी जी गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं, अब सीवी सैन की बारी आ गई, और ये हमारी लक्ष्मी माता की, चांदी का है ना ये, जो हमें गाड़ी धोने में मतलब गाड़ी लेने के समय मिला था, जब हम NS 125 को लिए लेने गए थे ना तब मिला था। और वहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा है, पैसे भी हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर धन आता रहे। तो दोस्तों तो फाइनली बारी आ गया है पल्सर NS 125 की, तो मैं और भैया भी जाने वाले हैं गांव के सभी दियो को पलटाने के लिए, तो थोड़ा मजा आएगा कसम से, मिर्ची पटाखे इतना किसी में ना मजा नहीं है, तो अभी देखते रहना। अब बारी आ गई मेरे ड्यूड्स बोल्ड की बाइसाइकिल। दोस्तों मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, निकला हूँ आज पूरी गांव को जलाने के लिए, अब देखते रहो, उड़वा उड़ो उड़वा दो, देखा जाएगा ये। आप लोग पूरे AC दोनों भाई वहाँ पे लुक धर गए चड्डे में जला दिए, देखा बहुत डेंजर आदमी, हम बहुत डेंजर आदमी हैं, हम ऐसे कर देते हैं। और वहाँ पे देखो खत्म, कुछ नहीं है कुछ, अरे भगवान कसम अभी रॉकेट उड़ा था कसम से, बट अच्छे ही नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा घर है जो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक उसी मैंने उसको उड़ा दिया, ये देखो खत्म, हाँ खत्म, ऐसे हम उड़ा देते हैं दोनों भाई, निकले हैं अभी सभी को पूरे गांव भर को तोड़ फोड़ देंगे, पूरे उड़वा देंगे मिर्ची पटाखे से, मिर्ची पटाखे से बहुत डेंजर है ये मिर्ची, वो भी 40 रुपए के पैकेट से, अभी हम सबको मानने वाले हैं, अभी निकल गए हम दोनों भाई, और रंगोली भी खराब करेंगे दोस्तों, अभी तो आप लोगों ने हमारा दिया पलटन नहीं देखा है,
अभी हम जा रहे हैं दिया उड़ाने के लिए दोस्तों, बहुत डेंजर आदमी हैं हम, बच के रहना हमसे, हो सकता है हम आपके घर भी पहुंच जाए, संभल के रहना, बी केयरफुल। अभी देखो भैया को मैं शूट कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, कोई चुप कैसे, क्या आप लोग ऐसा दोस्तों तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं हमारे जैसे, भागो दोस्तों तो दोस्तों क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं हमारे जैसे, मुझको पता है आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग ही बस दोनों भाई हैं जो हर किसी के घर में जाके दिया उड़वा देते हैं। तो अभी आ गया ना, हम आपके घर भी आ जाएंगे दोस्तों, टुडुंग टुडुंग टुडुंग, हमारा ऐसी धुन चलता है, टुडुंग टुडुंग, आपको सुनाई दे मतलब संभल के रहना। और यहाँ पे हमारे चाची जी के घर आ गए, अभी देखते हैं। ये हम गए वहाँ, लोगों को डरा है और उनका चश्मा और फटाका लेके आ गए, देखा हम बहुत डेंजर आदमी है दोस्तों, हमसे बच के रहना दोस्तों। टुडुंग 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 टुडुंग, चलो दोस्तों मिशन कंप्लीट करते हैं दोस्तों, अभी आगे में और आपको ट्विस्ट मिलेगा, आप बने रहे हमारे इस व्लॉग वीडियो में। अभी तो तगड़े से तगड़ा वीडियो अभी बनाना है, अभी तो अभी घर नहीं गए हैं, अनार मिलेगा आप लोगों को और बटकी मिलेगा जो गोल गोल घूमता है ना, और हमारा धुन मिलेगा आपको, टुडुम टुडुम टुडुम। भैया एक बार फिर से टुडुम 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 टुडुम। सो दोस्तों, तो तुम्हारा भाई अब फाइनली करने वाला है इस अनार का अंतिम संस्कार, आइए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, तो फाइनली रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों मजा आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी पारी है इस चक्री पटाखे का, तो बने रहिए, आइए देखते हैं क्या होता है इसके साथ भी। पहले इसे थोड़ा सा निकाल लेते हैं और इसे गर्म कर देते हैं। अभी गरम हो रहा है दोस्तों, गरम हो रहा है, हो गया फाइनली, आप देखना दोस्तों तगड़ा। कैसा लगा तुम्हारा भाई का एक्सपेरिमेंट? तो दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास बटकी पटाखा, तो इसको भी जला के देखते हैं। ये हम लोगों ने लाया है, और जो पहले वाला था ना वो उधर से चुरा के लाए थे। ये हो गया स्टार्ट, ये क्या दोस्तों हमारे साथ पोपट होने वाला था भाई अभी, ऑसम, किधर भगेगा किधर भगेगा छोटा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने देखा इसको इतना तगड़ा घूमा अभी, और अभी हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट बम, तो आइए दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है और इसी के ऊपर हम लोग इसे रखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। पूरा सेटअप हो गया और वो, अरे बाप रे, इधर एक लूप छिटका था, तो देखते हैं इधर क्या हुआ है। तो दोस्तों दियो को कुछ नहीं हुआ, भाई जो शॉर्ट बम बनाते हैं उसका बम बहुत ही बेकार है, कुछ हुआ ही नहीं, सारा मजा ही नहीं आया। देखो हमारा दिया शुद्ध बच गया, हम तो सोच रहे थे कि दिया आज फूटने ही वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अभी और कुछ करते हैं। सो दोस्तों, तो अभी मेरे मम्मी जी अपना जो सुरसुरी पटाखा है उसे जला रही है, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी एक ही पकड़ा है और एक, दोनों पकड़ लिए हैं। चलो बोलिए मम्मी, जोर से जोर दिवाली, जोर से और जोर से। दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और आप लोग भी मजे करिए मेरी तरह जैसे मेरी फैमिली करते हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं, आशा है कि आप लोगों को आज का मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।